जाने वाली राखी सावंत इन दिनों अपने एक्स पति आदिल खान दुरानी को लेकर खूब खबरों में छाई हुई है। जब से आदिल ने बिग बॉस 12 फेम सोमी खान संग निकाह कर लिया है, लेकिन ये बात राखी सावंत को हजम नहीं हुई। दोनों की शादी के बाद से ही राखी लगातार कपल पर तंज कस रही है। दोनों एक दूसरे पर वार पर वार कर रहे हैं, तो वहीं अब आदिल ने अपनी दूसरी शादी के बाद राखी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आदिल ने राखी संग अपनी शादी को अमान्य बताया और राखी सावंत पर बड़े बड़े इल्जाम लगा चुके हैं। हाल ही में राखी ने एक इंटरव्यू में बताया कि आदिल को गर्लफ्रेंड बदलने की आदत है, तो वहीं एक्स पति ने भी ड्रामा क्वीन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। आदिल ने एक इंटरव्यू में कहा कि राखी को लोगों के पैसे चुराने की आदत है और उन्हें धोखा देने की भी आदत है। उससे ये बिल्कुल हजम नहीं हो पा रहा कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हूँ और खुश हूँ। वो एक धोखेबाज और ढोंगी औरत है। वो जानबूझकर ऐसे बातें करती है ताकि खबरों में बनी रहे। यहाँ तक कि जो भी गुनाह उसने किए हैं उसे उन मामलों में बेल तक नहीं मिलेगा। मुझे लगता है वो पागल हो गई है और बहुत इरिटेटेड भी। आगे आदिल ने राखी के मुस्लिम होने की बात पर कहा कि वो अपने आप को हिंदू कहती है और कभी मुस्लिम बन जाती है। राखी धोखेबाज है और लोगों को धोखा देना पसंद करती है। कुछ दिन पहले ही राखी ने आदिल को लेकर कहा था कि वो उनके पास वापस आने की कोशिश कर रहा है। और तो और एक्ट्रेस ने आदिल पर और भी कई सारे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें लड़कियां बदलने की आदत है और वो 3-4 महीने में ज्यादा एक लड़की के साथ नहीं रह सकते। इस बात पर पलटवार करते हुए आदिल ने कहा कि राखी झूठी है और वो जो भी कह रही है सब गलत है। आदिल ने कहा कि सोमी से शादी करने के बाद वो खुश है। हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते का मतलब जानते हैं। राखी को लेकर आदिल ने कहा कि वो क्या करेगी जिंदगी में, वो सिर्फ लोगों की जिंदगी से खेलना जानती है। मैं उससे अलग होकर खुश हूँ और कभी नहीं चाहूंगा कि उसके पास वापस जाऊँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं।